वेलकम टू विप्स किचन। मैं हूं विभा और हमारी आज की रेसिपी है राइस स्टिक नूडल्स। राइस स्टिक नूडल्स बनाने के लिए हमें चाहिए राइस स्टिक नूडल्स, लंबी कटी हुई गाजर, लंबे कटे हुए मशरूम, लंबी कटी हुई पीली शिमला मिर्च, लंबी कटी हुई लाल शिमला मिर्च, लंबा बारीक कटा हुआ कच्चा पपीता, लंबी कटी हुई हरी प्याज, अंकुरित की हुई मूंग दाल, टोफू, भुनी और कुटी हुई मूंगफली, बारीक कटा हुआ लहसुन, लेमन ग्रास और नींबू की पत्तियां। सजाने के लिए बेसिल की पत्तियां और कोई भी वनस्पति तेल। राइस स्टिक नूडल के लिए सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए सोया सॉस, नींबू का रस, फिश सॉस, चिली पेस्ट, इमली का पेस्ट, गुड़ और सिरका। सबसे पहले राइस स्टिक नूडल को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। दस मिनट तक गर्म पानी में रखने से राइस नूडल सॉफ्ट हो जाते हैं। हम इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से सख्त रहेंगे, तब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। बीच में चेक करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना होने पाएं। अगर ये 10 मिनट से पहले ही हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं तब हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे। हम इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि पकाते वक्त भी नूडल थोड़े सॉफ्ट होंगे। अब एक कढ़ाही में हम इमली का पल्प डालेंगे, गुड़ डालेंगे, मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, सिरका डालेंगे, फिश सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और गुड़ के घुलने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। स्टिक वेज राइस नूडल के लिए सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसे गैस पर से उतार लेंगे। जितनी देर में राइस नूडल सॉफ्ट हो रहे हैं उतनी ही देर में हमारी सॉस भी बनकर तैयार है। इस सॉस को हम पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं। स्टिक राइस नूडल्स अब अच्छी तरह से भीग चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको पानी में से निकाल लेंगे। स्टिक राइस नूडल को गर्म पानी में से निकालने के बाद एक बार उस पर ठंडा पानी और डालेंगे। ऐसा करने से स्टिक नूडल आपस में चिपकते नहीं हैं। और अगर आपको थोड़ी देर बाद पकाना हो तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने के बाद 5-7 मिनट एक तरफ रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। सबसे पहले एक कढ़ाही में तेल गरम करेंगे।
नूडल्स को हम तेज आंच पर ही बनाएंगे। तेल गरम होने पर सबसे पहले बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लेमन ग्रास डालेंगे। दो तीन नींबू के पत्ते डालेंगे। बारीक कटा हुआ कच्चा पपीता डालेंगे। टोफू डालेंगे। गाजर डालेंगे, थोड़े मशरूम डालेंगे और तेज आंच पर ही पकाएंगे। थोड़े अंकुरित मूंग दाल डालेंगे। हरी प्याज डालेंगे। तैयार की हुई सॉस डालेंगे। अब इसमें राइस नूडल्स भी डालेंगे। और अच्छे से तेज आंच पर जलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिश सॉस में क्योंकि बहुत नमक होता है इसलिए नमक का ध्यान रखेंगे, थोड़ा ही नमक डालेंगे। लाल और पीली शिमला मिर्च डालेंगे। थोड़ी हरी प्याज और डालेंगे। राइस नूडल अब तैयार हो चुके हैं। गैस पर से अब हम उतार लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। बेसिल पत्तियों से गार्निश करेंगे। भुनी पिसी हुई मूंगफली डालेंगे। राइस स्टिक नूडल्स बड़ों बच्चों सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। इस रेसिपी को बनाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने विप्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।